जो अपराध में सीधे तौर पर सम्मिलित होगा उसके साथ ही यदि परोक्ष रूप से भी कोई इन अपराधों में सम्मिलित होगा तो उसको भी बख्शा नहीं जाएगा, मैं रगड़ करके छोड़ दूंगा, मैं बता रहा हूं। और मुझे अजीब बात है, मुझे आज मन बड़ा अजीब हो रहा है कि मतलब बजाय इन घटनाओं की निंदा करने के लिए, बजाय इसका विरोध करने के, कांग्रेस पार्टी मंच सजा करके और इसके समर्थन में बयानबाजी कर रहा है, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। मैं इनसे सवाल पूछता हूं, क्या गुनाह था वो लड़की का जिसको बाकायदा नौगांव के अंदर एक कबाड़ी के दुकान में रस्सियों से बांध कर रखा गया लगभग एक सप्ताह, पूरी घाटी जलती रही और पुलिस ने जब घर घर छानबीन की तब जाकर के कबाड़ी की दुकान में रस्सियों से बंधी मिली बच्ची, और बाकायदा तफ्तीश में यह बताया गया कि वो कबाड़ी उसको बेचने वाला था कहीं प्रदेश से बाहर, रेडिकलाइज एलिमेंट्स को पास ऑन करने वाला था, पिथौरागढ़ में क्या हुआ था, विकास नगर में यह नौवां दसवां केस है। और एक बात मैं और खास बता देना चाहता हूं, चूंकि विकास नगर सभी के न्यूज डेस्क है तो खबर विकास नगर से छपती है, लोगों को लगता है सब विकास नगर में हो रहा है। विकास नगर में तो मुन्ना सिंह चौहान का डंडा इतना मजबूत है कि जमीन के नीचे भी कोई अपराधी होगा तो वहां से भी मैं खोद के निकालूंगा, मैं अपने इलाके के लोगों को भरोसा दिला रहा हूं। लेकिन सैसपुर की खबरें नहीं छपती, सीसामाड़ा की खबरें नहीं छपी, मैंने जेल भिजवाया सैसपुर थाने का, सोलापुर की खबरें नहीं छपती, अड़ोस पड़ोस के इलाकों की खबरें नहीं छपती। मैं कह रहा हूं इस सैसपुर विधानसभा के आजू बाजू बहुत गंभीर हालात है, बहुत गंभीर हालात है, मैं बता रहा हूं इस बात को, कोई बर्दाश्त करें ना करें लेकिन मुन्ना सिंह चौहान और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये बर्दाश्त नहीं करेगी। और हम बिल्कुल एग्जाम्पल सेट करेंगे कि जो हमारे बच्चियों के साथ, पढ़ने वाले बच्चों के साथ, जो लड़कियों को इस तरीके से ट्रैप में फंसा करके ब्लैकमेल करके और ये पाप कर रहे हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा। मुझे तो 2 बजे रात को कोई घटना की जानकारी मिलती है तो मैं अगले सुबह के लिए उसे नहीं छोड़ता, मैं 2 बजे रात को ही उसको एड्रेस करता हूं, 2 बजे रात को ही उसमें एक फोन करता हूं।